अस्सलाम वालेकुम जी। पाक आर्मी फ़ीमेल नर्सिंग के लिए जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उनको वो मेरिट लिस्ट किस तरह से अपने डाउनलोड कर सकते हैं? बिल्कुल इजी मेथड है, ये सेंटर वाइज वो डाउनलोड कर सकेंगे। तो मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे हैं, आपने सेम मेथड को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है, इस वीडियो के नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। eduhelp.pk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर हम आपको मेरिट लिस्ट्स, रिजल्ट्स और जॉब्स एडमिशन्स की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। सो इन फ्यूचर अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलती रहेंगी। अच्छा, जैसे आप इस पेज पे आएंगे आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। आप मोबाइल पे भी सेम होगा, कोई भी इशू आता है तो काइंडली आप कमेंट कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ पे किस तरह से आपने अप्लाई करना और क्या वो सारा क्राइटेरिया, अगर कोई न्यूली इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी मेथड यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो क्राइटेरिया वो भी यहाँ मैंने राइट डाउन कर दी है। मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन बोलते मिलती जाएंगी 2020 के लिए, वो 22 के लिए वो मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा। सही है। सो इसमें ऑफिशियल से जिस तरह से भी जो डिटेल्स देते जाएंगे मैं इंशाल्लाह वहाँ से रीड आउट करके उनको अपने वर्ड्स में यहाँ पे राइट डाउन करता जाऊँगा। सही है। अच्छा जी, बाकी रहेगी मेरिट लिस्ट की बात, तो ये आपको ग्रीन बटन नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल्स अनाउंस करते हैं तो आप डायरेक्टली जस्ट इधर क्लिक करेंगे, आप जो मेरिट लिस्ट यहाँ आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर लिंक है और ये उसका वही पेज है जहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट मिलनी है। ठीक है, आप सिंपली आएंगे यहाँ से क्लिक करके अपनी मेरिट लिस्ट को, दूसरा पेज ओपन होगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। सही है, कोई भी इशू होगा आप कमेंट कर देंगे, मैं आपको टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा कॉल लेटर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप इसको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, अगर इसमें आपका डिले आ जाता है या क्या भी इशू है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर अभी देखी है कि इसको अगर स्क्रोल डाउन करें ना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को, तो इन्होंने ये भी कहा है कि जिनका टेस्ट क्लियर हो गया ना उनका उनके बारे में, इन्होंने थोड़े से यहाँ के नीचे आए ना अगर, तो ये देखें अनाउंसमेंट्स के अंदर ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक हेयर पे करता हूँ ना तो ये डिटेल आ रही है, और ये ऑलमोस्ट आप सेंड भी कर चुके होंगे। जिनका टेस्ट क्लियर होगा उनको क्या करना है, उनको प्री मेडिकल की जो मार्कशीट है ना वो भेजनी है 5 नवंबर से पहले पहले। ठीक है, और वो ओनली UMS के थ्रू ही आप भेज सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है। और उसके अलावा इन केस ऑफ फेलियर कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, किसी भी केस में अगर वो फेल हो गया या उसने पहले मार्क्स कुछ और बताए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम और मार्कशीट पे कुछ और हैं चीज़, तो फिर इससे ज़ाहिर बात है वो क्लियर तो नहीं करेंगे उसको। सो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको क्लियर हो गई हुई ये चीज़। मज़ीद को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।